नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल तो पूछेंगे मैं हूं आपके साथ डॉक्टर उदित प्रवीण सिद्दीकी। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सिंधिया की ललकार के बाद सूबे में मानो खुद को टाइगर साबित करने की होड़ सी लग गई। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी टाइगर की दहाड़ें गूंजने लगी। असली टाइगर कौन, इसी पर हम करेंगे चर्चा, पर इससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। असली टाइगर कौन? टाइगर अभी जिंदा है, कई है टाइगर। मध्य प्रदेश की राजनीति गर्माई, कांग्रेस बीजेपी में लगी हो, कमल पटेल सतपुड़ा टाइगर, मैं पेपर टाइगर नहीं कमलनाथ। सूबे की सियासत टाइगर पर ठहरी। माधवराव सिंधिया के साथ शेर का शिकार किया। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। इस बार उफान टाइगर पर आकर ठहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुद को टाइगर क्या कहा, मानो टाइगर का तमगा हासिल करने की होड़ सी लग गई। मोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं, नोचो मुझे जितना भी लोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। प्रदेश में टाइगर कौन, इसका जवाब तो मिल नहीं पाया, उल्टे टाइगर की गिनती बढ़ती गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट में खुद को सतपुड़ा टाइगर की उपाधि दी। इधर दिग्विजय सिंह भी भला कहां पीछे रहते। दिग्विजय सिंह ने कहा वे श्रीमंत के पिता माधवराव सिंधिया के साथ शेर का शिकार किया करते थे। वैसे लगता है सिंधिया की ललकार को कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तभी तो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, हर कोई इसी मुद्दे पर अपनी अपनी बात रख रही है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। इंदिरा जी तो चाहती थी कि टाइगर जिंदे रहे, इसीलिए तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाए, शिकार पर प्रतिबंध है। लेकिन ये कहीं ढूंढना चाहिए, जब एक जंगल में दो शेर आ जाते हैं तो उसको एक ही रह पाता है, दो नहीं रह पाते, टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। अभी थोड़े बहुत और भी आएंगे टाइगर जिंदा है के बयान देने वाले, तो देखिए। मैं महाराजा नहीं हूं, समझ गया था? मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और तो मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता क्या करेगी, कौन टाइगर है कौन पेपर टाइगर है, सही बात है ना? हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता चले जाने के बाद अपनी वजनदारी याद दिलाने इस डायलॉग का इस्तेमाल किया था। इसके बाद अनगिनत बार इस लाइन को दोहराया गया। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, मतलब साफ है, लाइन कोई नहीं थी, शिवराज सिंह इसका इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन महाराजा ने जब इन लाइनों को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ललकारते हुए दोहराया, तो और इसने मामला, तो और इसने इतना तून पकड़ा। ऐसे में सियासी गलियारे में सवाल तैरना लाजमी है, क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी में दो टाइगर हैं? फिलहाल ये तो जनता को ही तय करना है, सच्चा टाइगर कौन है और कागजी टाइगर कौन। जनता का ये जवाब आने वाले समय में सभी के सामने होगा। बेस्ट रिपोर्ट, TNN। तो टाइगर स्टेट में अब टाइगर पॉलिटिक्स जोरों पर है, सरगर्मियां हैं।
जब पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वो विपक्ष में थे तो कहा था टाइगर अभी जिंदा है, सरकार में है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राज्यसभा सदस्य बने तो फिर उन्होंने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। दो दिन में दो बार वो इस बात को दोहरा चुके कि टाइगर अभी जिंदा है। उधर सतपुड़ा टाइगर की भी बात सामने आ रही है, इधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया, इस शब्द को लोक लिया और टाइगर अभी जिंदा है को लेकर कटाक्ष की। इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे परिचय कराऊंगी। हमारे साथ हैं बीजेपी से अब्बास हफीज हैं, बहुत स्वागत है अब्बास जी आपका। कांग्रेस से शशिकांत शुक्ला जी हैं, बहुत स्वागत है, माफ कीजिएगा, बीजेपी से शशिकांत शुक्ला जी हैं, बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार है के सक्सेना जी, बहुत स्वागत है के सक्सेना जी। शुरुआत शशिकांत जी आपसे करूंगी, जिस तरह टाइगर अभी जिंदा है इसको हम कई बार सुन चुके, एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। वो अपने आप को संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे हैं, अब अपने को कह रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के, वो भी इस बात को कहते रहे टाइगर अभी जिंदा, और उन्होंने सत्ता पर वापस आकर दिखाया। अब टाइगर अभी जिंदा है को लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हमलावर है, बार बार इस बात को कह रही कि टाइगर अभी जिंदा है कह रहे हैं, और एक जंगल में दो टाइगर नहीं रहते। और इस संदर्भ में मैंने कहा है आज जैसे शिवराज जी ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो ये मुझे सत्य है कि जो मुख्यमंत्री बने और किसी क्षेत्र में यदि हमारे माननीय लेखपाल श्री जी ने कहा है कि हमारे प्रधान मंत्री अपने आप को अपने छत्ते के आगे रखा है, तो फिर ये संदर्भ में टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर है तो अब ये टाइगर के शब्द को पूरी तरह टाइगर से ही जोड़ दिया जाए और एक क्षेत्र में दो टाइगर नहीं रहते और ये होता है वो होता है, सब मतलब की बातें हैं। ये जवाब नहीं है, जवाब वो होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें जीतेगी, कांग्रेस में जी ताकत आत्मविश्वास है तो कांग्रेस संघर्ष करे और आत्मविश्वास को और शक्ति को सक्रियता को सिद्ध करेंगे जो तरह सिंधिया जी साबित हो जाएगा टाइगर है और भारतीय जनता पार्टी की नेता सिद्ध करेगी। यहाँ शशिकांत जी बात यहाँ टाइगर अभी जिंदा है, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा, सतपुड़ा के टाइगर की भी बात निकलकर सामने आई, शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर अभी जिंदा है को हम समझना चाह रहे थे कि इस जुमले को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, क्या कांग्रेस को ये बताना कि जी सुन पा रहे हैं ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पहले तो सुन नहीं पाई, आवाज बहुत साफ नहीं थी आप। अच्छा तो देखिए ये जो बात कही गई है, ये जुमला जो कहा गया ये आत्मविश्वास के लिए है, ये शक्ति के लिए जुमला है, ये सक्रियता का जुमला है, और यदि सिंधिया जी ने कहा तो वो सिद्ध करेंगे चंबल क्षेत्र में और सतपुड़ा क्षेत्र में। हमारे मान लीजिए पटेल साहब ने कहा, कमल पटेल साहब ने, तो निश्चित ही अपनी सक्रियता आत्मविश्वास को वो भी साबित करेंगे और कर रहे हैं। तो टाइगर अभी जिंदा है ये जुमला जो है, इस जुमले को आपस में किसी के खिलाफ खड़े करना ये करने से मतलब नहीं है, ये तो इस बात का प्रतीक है कि उनके अंदर आत्मविश्वास है, सक्रियता है, और उन्होंने अपने आत्मविश्वास और सक्रियता और शक्ति को साबित भी किया है। तो 20-20 देर विधायक उनके नेतृत्व में आए और कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आए, सरकार बनी, तो निश्चित रूप से शक्ति तो है उनके पास, आत्मबल भी है, आने वाले चुनाव में भी उसको साबित करेंगे। इस संदर्भ में ये बात टाइगर भी जिंदा ही कही गई है, इसको किसी अन्य संदर्भ में ले लिया जाना चाहिए। मनोबल और शक्ति का प्रदर्शन है ये शब्द टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि जब विपक्ष में शिवराज सिंह चौहान थे और उन्होंने ये बात कही थी कि टाइगर अभी जिंदा है, और उन्होंने उसको साबित कर दिखाया कि टाइगर अभी जिंदा है और वो सत्ता पर आ गए, आज सरकार उनकी है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, और 16 जो अहम सीटें मानी जा रही है 24 उपचुनाव में, वो 16 ग्वालियर चंबल की है, ललकार इस बात की कि टाइगर अभी जिंदा, यानी कि वो 24 में 16 सीटें तो बीजेपी के पास है। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, वापस उनके पास जाएंगे। के सक्सेना जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझ लेते हैं।
सक्सेना जी, जिस तरह टाइगर अभी जिंदा है, इस बात का संबोधन बार बार होता रहा। हालांकि शशिकांत जी का कहना है कि शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर ये शब्द है, और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने पहले कहा और फिर सत्ता पर आए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को कह रहे हैं और कांग्रेस को ललकारना एक तरह से ये दर्शाता है। उधर अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी इस बात को कह रहे हैं कि टाइगर, जाहिर है कि जंगल में एक ही टाइगर होता है, दो टाइगर नहीं होते। अब जंगल मध्य प्रदेश की टाइगर की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइगर। देखिए भरत, टाइगर अभी जिंदा है ये शब्द कहना, ये एक हुंकार भरने की बार भरने की बात है, और अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए कहा गया जुमला है। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, उनने टाइगर की पूरी भूमिका निभाई है, अपने लक्ष्य को, अपने शिकार को पहले से ही प्लान करके शिकार करता है, और वो उन्होंने राजनीतिक रूप से कांग्रेस के साथ करा। अब असली लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कांग्रेस से नहीं है, अब लड़ाई उनकी, वो जिस खेमे में पहुंचे हैं बीजेपी में है, वहां उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि टाइगर वाकई जिंदा है, क्योंकि वहां पर नरोत्तम मिश्रा जैसे कुशल प्रशासक राजनीतिक हैं, वहां नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे राजनीतिक अनुभव और पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करने वाले आदमी हैं, वहां गोपाल भार्गव है जो जिनका जन जन से जुड़ाव है, वहां पर शिवराज सिंह जी हैं जिनका एक सशक्त नेतृत्व 15 साल से लोगों ने देखा है, उनका राजनीतिक अनुभव है। वहां पर अब सिद्ध करना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि टाइगर वहां जिंदा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये 24 सीटों का चुनाव इस बात को तय करेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन सब के साथ अपने आप को वहां सिद्ध कर सके। वो जब सिद्ध कर पाएंगे तभी कहा ये जुमला माना जाएगा कि जो टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि उनको अब कांग्रेस में कुछ भी नहीं है, उनको जिंदा कहां रहना है, उनको बीजेपी में रहना है, और जिस दल में उनको जिंदा रहना है वहां उनको सिद्ध करना पड़े। अगर वो जीतते हैं तो वो कहते हैं उनका ये जुमला सही माना जाएगा, और अगर नहीं होते हैं, असफल होते हैं, तो इस जुमले की हवा निकल जाएगी, जैसा मेरा मानना है। अब्बास जी, आवाज आ रही है आपको अब्बास जी? कांग्रेस के प्रवक्ता से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है बिना उनके इस चर्चा को। अब्बास जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है शायद? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जी जी बोले अब्बास जी, जिस तरह टाइगर अभी जिंदा है, एक तरह जब सत्ता में आप थे और शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा था, अब वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इस बात को कहा था कि टाइगर अभी जिंदा, उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, अब वो सत्ता पर काबिज है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, हालांकि के सक्सेना जी का कहना है कि वो बीजेपी के लिए एक तरह का संदेश है और उनको साबित करना पड़ेगा कि टाइगर अभी जिंदा है। 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं जिस पर उनकी भूमिका अहम है, और माना जा रहा है कि अब टाइगर अभी जिंदा है, इसको साबित करने के लिए। हालांकि आपकी तरफ से भी इसको लेकर काफी सरगर्मियां और बयान पे बयान आ रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा, हालांकि कहा गया है कांग्रेस को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें समझना पड़ेगा। वो जो सक्सेना जी कह रहे हैं वही बात उसी तरफ मैं भी ध्यान आपका ले जाना चाहता था, और दर्शकों का भी, कि वो किस लिए कह रहे हैं। यहाँ भाजपा में अपनी अंतरकला बताने का एक तरीका है टाइगर अभी जिंदा है, हर कोई टेरिटोरियल फाइट में विजेता अपने आपको बता रहा है कि पहले शिवराज सिंह चौहान जी का जो बयान था, अब सिंधिया जी ने उस बयान के ऊपर अपना एक और बयान दे दिया कि वो अपनी नेताओं चाहिए भाजपा के लोगों को। वहां पर कहा कमल पटेल पूछे रहते तो उन्होंने भी कह दिया, अभी कई टाइगर निकल रहे हैं ऐसे टाइगर जो भाजपा में तथाकथित टाइगर हैं। अब यहाँ बात यह है कि जो कमलनाथ जी ने आज कही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जनता तय करेगी कि कौन उनका टाइगर है, मतलब कौन उनका नेता है, ये जनता के पाले में है। क्योंकि भाजपा ने सरकार बनाने के अंदर जनता का सहारा नहीं लिया, बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को स्थिर करके खुद सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करी और बिना चुने हुए सरकार बनाई है। अब यहाँ भाजपा के जो अंतरकला है वो खुल के सामने आ रही है। आप देख ही रही हैं रामपाल सिंह जी का हाव भाव देखें,
या आप मुदित शेजवार जी का दर्द देखें, या फिर हम रमेश मेंदोला जी के कार्यकर्ताओं का आत्मदाह की कोशिश करना देखें, ऐसे कई नेता उमा भारती जी का दर्द देखें, सब दिख रहा है कि यहाँ पर एक टेरिटोरियल फाइट चल रही है कि मेरे कार्यकर्ता असंतुष्ट, मैं असंतुष्ट, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे आने वाले समय में खड़ी हो गई है। तो अब ये टाइगर्स की लड़ाई जो होगी, टेरिटोरियल फाइट जो होगी, उसमें जनता बताएगी कि असली टाइगर जिन्होंने चुना था कमलनाथ जी को, वो अपनी सत्ता में वापस आएंगे जो नीतीशी काम करेंगे। का कहना है कि टाइगर अभी जिंदा है जो है, और बहुत सारे जुमले और लोग भी बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतरकला की बात भी वो कह रहे हैं कि जो असंतुष्ट है वो अभी टाइगर अभी जिंदा है को लेकर और भी इस तरह के बयान आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अपनी पहचान को बरकरार रखने, और जनता ये तय करेगी कि टाइगर कौन है, इस बात को भी उन्होंने कहा। कर रही हूं। जी शशिकांत जी, आप सवाल आपसे है कि अब्बास जी का कहना है कि मुसीबत कड़ी होने वाली है और अब उपचुनाव है 24 सीटों पर और जनता तय करेगी कि टाइगर कौन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि और बहुत सारे बीजेपी में भी टाइगर निकल कर आएंगे सामने कि टाइगर मैं हूँ, टाइगर मैं हूँ। हाँ, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। टाइगर तो बहुत से रहते हैं, आप बार बार टाइगर और इतने सारे टाइगर टाइगर से ही बात जोड़ रहे, तो एक क्षेत्र में हर क्षेत्र में सैकड़ों टाइगर रहता है, उसको मिलकर एक पूरा रिजर्व किलोमीटर में तो टाइगर रिजर्व करते भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नेता है, आत्मविश्वासी नेता है, आत्मबल मनोबली नेता है, और उनका अपना जनाधार है, उसको लेकर के ये जुमला कहा जा रहा है। और सतपुड़ा के क्षेत्र में यदि कोई सक्रिय नेता है और वहाँ पर उनको जनसमर्थन हासिल है और वो विजय प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से वो वहाँ कह सकते हैं। और यहाँ यदि ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है, तो इसको कुतर करके भाजपा के खिलाफ क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे ये बात तो कांग्रेस के लिए कही गई है, कांग्रेस के लिए है कि आने वाले चुनाव में आप संघर्ष करिए ना, आप आने वाले चुनाव में कांग्रेस की हार होगी, इस बात को जानते हुए आप उसको भाजपा के पाले पलट रहे। आप कह रहे साहब भाजपा में कलह होगी, भाजपा में सिद्ध करना होगा, उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, भाजपा में अंतर कलह में चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है। सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, सिंधिया जी स्वयं से तो बड़े नेता है, बड़े नेता के नारे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी अपने सक्रियता को और अपने बल को और राजनीतिक परिपूर्णता सक्षमता मैच्योरिटी को साबित किया है। सारे विधायक उनके साथ आए, सरकार बनी, तो निश्चित रूप से सिंधिया जी अब कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, तो वो आत्मबल के साथ सक्रियता के लिए कह रहे हैं और वो अपने राजनीतिक आधार के आधार पर कह रहे हैं, जो आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस संघर्ष में आना चाहिए। तो वो छोड़कर कांग्रेस ये कह रही कि अब टाइगर अभी जिंदा, उन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में संघर्ष होगा तो ऐसा होगा, तो वैसे इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी गंग है, सर्वमान्य नेता भाजपा जिनको स्वीकार कर लेती है, साथ में लेकर विचारधारा में चलती है, और यदि माधवराव सिंधिया जी ने कहा है तो फिर मैदान में अभी चुनाव में साबित भी वो कर देंगे, उसमें क्या है। उस संदर्भ में कहा है शक्ति के लिए, सक्रियता के लिए, आत्मबल के लिए, सफलता के लिए बात कही गई है, इसमें कोई बहुत बात कहना कि मैंने जाने कितने टाइगर निकल के आएंगे, तो कुछ भाजपा के अंदर कुछ संघर्ष थोड़ी हो रहा, ये तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रुकते नहीं है, आपको पता आने वाले चुनाव होगा, वो बोलते रहते हैं। जी जी अब्बास जी, हर क्षेत्र से टाइगर निकल के आएंगे और चूंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में ये साबित होगा कि टाइगर अभी जिंदा। आज मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में नारेबाजी नहीं हुई है, भाजपाइयों ने क्या धरना नहीं दिया है, क्या आज सागर में शशांक जैन जी के समर्थकों ने जल समाधि का प्रयास नहीं किया है भाजपा का झंडा लेके, क्या कल रमेश मेंदोला के समर्थकों ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश नहीं की है, क्या ये सब झूठ है? भाजपा कार्यालय में अभी तक लोग बैठे हुए नारेबाजियां कर रहे थे, यशपाल सिंह सिसोदिया जी के समर्थकों ने क्या धरना नहीं दिया कल? भाजपा पूरी खेमों में बटके टूट गई है, हर जगह का टाइगर एक निकल के सामने आ रहा है और ये टाइगर ही एक दूसरे को टेरिटोरियल। आपने बोल दिया, आप नहीं रोक रहे ना, हम आपको मौका देते, आप बोलते रहे, हम ना बोले, हम बोले तो रोकते नहीं और आप बोले तो बोलते रहे, ऐसा कैसे होगा भाई? चलिए मैं आऊंगी शुक्ला जी, आपको मौका दिया, अब्बास जी के पास आपकी आपके सवाल लेके गई थी, के सक्सेना जी भी है, उनसे समझ लेते हैं फिर आऊंगी आपके पास। सक्सेना जी, दोनों के अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बातें हैं कि शशिकांत जी का कहना है कि बहुत सारे टाइगर निकल के आएंगे और टाइगर कहीं ना कहीं जो मनोबल है, जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर है बीजेपी की तरफ से, और अब्बास जी का कहना है कि टाइगर जो है वो फूट जो अंतर कला है कांग्रेस की बीजेपी की है वो साबित कर रही है कि कई टाइगर निकलेंगे, और उनका ये कहना है कि जो
मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम छूट गए, जिसको लेकर असंतोष कार्यकर्ताओं में है और कहीं ना कहीं उसको लेकर टाइगर बहुत सारे निकल सकते हैं। अपने अपने तर्क, अपने अपने मत, अपने अपने टाइगर निकल के आ रहे हैं। देखिए मैडम क्या है कि जब तक जुमलेबाजी की बात थी तो जुमलेबाजी की बात पे तो ठीक है टाइगर जिंदा है कह दिया, अगर अगर इसको गंभीरता से देखें तो टाइगर क्या करता है, टाइगर जंगल में शिकार करता है और सिर्फ अपने परिवार को खिलाता और खुद खाता और सो जाता। ये जनता से जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं, इनको जनता के हित का काम करना है, जन जन के हित का काम करना, अपने अकेले का फायदा भी देखना है। और राजनीति में आज जो दोष पैदा हो गया है, एक दूषित वातावरण हो गया है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को देखकर ही बात कर रहा है। हर आदमी को पद चाहिए, हर आदमी को महत्व चाहिए, हर आदमी को अच्छे विभाग चाहिए, मंत्री बन गए तो विभाग चाहिए। तो वो व्यक्तिवाद जब ज्यादा हावी हो गया है, जिस पर काम रहे कि जनता की बात करने का वो महत्व नहीं बचा है। अरे टाइगर की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, हम लोग आदमी हैं, आदमी की प्रवृत्ति, जनमानस की प्रवृत्ति लोगों का भला करना, उनको उन तक दाना पहुंचाना है, अपना पेट काट के अपने अपना त्याग करके और जनता को फायदा पहुंचाना, ये राजनीतिक लोगों का काम है। ये टाइगर वाइगर कहके जुमलेबाजी करके राजनीतिक लोग और सब हमारे प्रवक्ता और अब सारे राजनीतिक लोग कुछ भी बातें करते हैं। मेरा साफ कहना है कि ये टाइगर वाइगर तो एक जुमला कह दिया बात हो गई, उसकी प्रवृत्ति का आम जन से और मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है। टाइगर क्या करता है, टाइगर तो घात लगा के शिकार करता है और धोखा दे देता है और मारता है धोखे से लोगों को। तो टाइगर की प्रवृत्ति आम आदमी की प्रवृत्ति, राजनीतिक की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राजनीतिक आदमी की प्रवृत्ति सबको भला करने की होना चाहिए, अपने आप को त्याग करके लोगों को कहते हैं राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आने वाले चुनाव ये बात तय करेंगे कि कौन आदमी सशक्त रहा और कौन नहीं रहा। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक कद्दावर नेता है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि मेरे फॉलोअर्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो मेरे पीछे चलकर पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन अब हमको ये बताना है, ये सिद्ध करना है कि जनता ने उनके नाम पे वोट दिया था कि कांग्रेस पार्टी के, अगर वो खुद वोट ले लेते हैं बीजेपी में तो ये माना जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वोट मिले थे, अन्यथा ये माना जाएगा कि वो वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नहीं मिले थे, वो वोट कांग्रेस को मिले थे। बिल्कुल, ये राजनीतिक बातें जुमलेबाजी कुछ भी होती रहे, ये 16 सीटें जो चंबल संभाग की है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास की है, वो सिद्ध करेंगी और बाकी सीटें सिद्ध करेंगी कि जनता का क्या दुख है, उसी से आगे की सत्ता का भविष्य तय है। बिल्कुल शशिकांत जी, आपके पास आऊंगी पर सवाल अब्बास जी से पहले करती हूँ, प्रतिक्रिया आपसे लूंगी। अब्बास जी, बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं आप इस शब्द को लेकर, टाइगर अभी जिंदा है, हालांकि होना भी चाहिए क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ने, जब वो सत्ता में नहीं थे तो कहा था और सत्ता में आ गए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं और सामने 24 सीटों पर उपचुनाव है जिसमें 16 सीटें जो है, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, ग्वालियर चंबल है और इस पर बड़ी चुनौती एक मानी जा रही है दोनों ही पार्टियों की, अगर बात करें दोनों के लिए एक मुश्किल, एक कठिन टास्क, कड़ी चुनौती देखी जा रही है। अब उपचुनाव को लेकर अगर टाइगर अभी जिंदा है का शब्द जनता के बीच में जाता है तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या कुछ तैयारी होगी इस बात को लेकर? हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात को कहा है कि जनता तय करेगी कि टाइगर कौन। देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सीट जो है जिन पे विधानसभा उपचुनाव होने हैं या हमारे पाले की सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के सिंबल को कबूल किया था जनता ने और भाजपा के कमल के फूल को हटाया था उन्होंने, उसको रिजेक्ट किया था। अब ये सीटें हमारे ही हैं, यहाँ पर जो भी हुआ साम दाम दंड है, यहाँ के लोगों ने देखा। कहते हैं कि वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे गए थे, अगर गए होते तो 2013 का चुनाव जहाँ पे वो चुनाव के प्रभारी थे, वो मैदान में थे और पूरी तरह से उनका सिंगल हैंड था
इतना खराब प्रदर्शन चंबल में नहीं होता, सिंधिया जी के चेहरे पे वोट तब पड़ा था, कांग्रेस का इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन 2013 का रहा। यहाँ पर कमलनाथ जी का चेहरा था, कमलनाथ जी का चेहरे के साथ समन्वय दिग्विजय सिंह जी का था और भाजपा के खिलाफ आक्रोश था जिससे हम सत्ता में आए। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सीटों पर हमारी तैयारी पूरी तरह से, आपका सवाल था कि हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि इसमें अहम अहंकार दिखता है, अहंकार छलकता है, अपने आप को सबसे ऊपर बताना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार भाजपा के वरिष्ठ नेता, लेकिन उनका जवाब एक दूसरे नेता ही देते हैं। अगर शिवराज जी कुछ कहते हैं तो उसका जवाब सिंधिया जी इशारों में देते हैं, और सिंधिया जी कुछ कहते हैं तो कमल पटेल जी उसके इशारों में जवाब देते हैं। अपनी अंतरकला से जूझ रही हमें जनता से मतलब है, जनता के साथ जाके मैदान में जाएंगे, और जनता ने जिसने हमें पिछली बार आशीर्वाद दिया था वो इस बार फिर से आशीर्वाद देके हमें सत्ता में लेकर आएगी जिससे हम जनहितैषी काम कर सके। जी शशिकांत जी, शशिकांत जी, अब्बास जी का कहना है अहंकार दिखता है इस शब्द में और एक दूसरे के लिए ये शब्द है। हाँ, मैंने कहा ना कि कांग्रेस हमेशा अर्थ का अनर्थ निकालने का प्रयास करती है। यदि कोई आत्मबल की बात है, सक्रियता की बात है, शक्ति की बात जो मैंने कहा तो उसको उन्होंने अहंकार से जोड़ दिया कि अहंकार की बात है। देखिए, रावण के भी लाख दुर्गुण रहे हों लेकिन कुछ अच्छे गुण थे, जिन रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि अच्छे गुणों को लेकर आओ, दुर्गुण से मतलब है। ऐसे शेर टाइगर से मतलब होता है उसकी सक्रियता, आत्मबल और शक्ति से। चलिए, उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है और अब्बास जी का कहना है कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस को ही वोट गए थे और इस बार भी उनका ही गढ़ रहेगा। नहीं, मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से ये बात जो उन्होंने कही है आने वाले चुनाव में वो साबित करेंगे चंबल में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सक्रियता और शक्ति आत्मबल के साथ जीतते हैं। हम योजनाओं के माध्यम से और माध्यम से सफल सरकार चलाएंगे, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे, और कांग्रेस में भी सक्रियता आत्मबल शक्ति है तो निश्चित रूप से अच्छे वक्त की भूमिका ही नाते सामने आए, और सतर्क की जगह सतर्क करना बंद करें और अर्थ का अनर्थ निकालना बंद करें। कांग्रेस को इससे सफलता नहीं मिलने वाली, कांग्रेस के अंदर अंतरकला थी वो सामने आ गई, आज भी अंतरकला है, गुटबाजी नीचे से ऊपर तक आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की कोई स्टेटमेंट देते तो उन्हीं के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर उनका विरोध कर देते हैं कि प्रधानमंत्री को सीधा हमला क्यों कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में कोई विषय पर क्यों नहीं बोलते। तो ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक अंतरकला कांग्रेस में, कांग्रेस की डेमोक्रेसी नहीं, हमारे लोकतंत्र पूरा है, किसी को विरोध करने का अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आम सहमति से चलते सभी नेता आत्म सक्रियता के साथ काम करेंगे आने वाले चुनाव में भी, और सरकार को आगे ले जाने में भी, और भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश का प्रयास करेगी, कांग्रेस सकारात्मक भूमिका अदा करे और इस बात को सकारात्मक दृष्टि से ले। ये टाइगर अभी जिंदा है की बात को नकारात्मक या अहंकार की समय की कमी है, समय की कमी, चर्चा को समाप्त करूंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस का कहना है ये अहंकार है, बीजेपी का कहना है ये अहंकार नहीं, हुंकार है एक तरह से। अब 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और टाइगर अभी जिंदा है, जिस तरह पहले भी ये बयान आया था एक बार फिर आया है, और टाइगर अभी जिंदा है को लेकर कांग्रेस भी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा पर प्रतिक्रिया भी निकल कर सामने आ रही। तो टाइगर कौन है और जनता किसको टाइगर मानती है ये साबित होगा उपचुनाव के बाद। फिलहाल अपनी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करूंगी, मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते रहें डीएनए पर।